हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकाज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल की आइसक्रीम। बेल जो कि गर्मियों में मिलता है और इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमीन और विटामिन सी से यह भरपूर होता है। गैस और कब्ज को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को गर्मियों में यह ठंडक देता है। जो नई माँ बनी होती हैं उनके लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। कैंसर से बचाव करता है और खून को हमारे यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करता है। इतने बेनिफिट्स वाले बेल को हम बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। बेल का शरबत, बेल की आइसक्रीम और साथ में बेल का शेक भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेल का चुनाव कैसे करें। बेल आप जब भी ख़रीदने जाएं तो आप देखें कि पका हुआ बेल लें। ये ऊपर से बिल्कुल पीला है, इसका मतलब ये अंदर से बहुत पका हुआ है। अगर बाहर से यह हरे रंग का होगा तो अंदर से भी थोड़ा कच्चा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पका हुआ ही बेल लें। यह हार्ड होता है ऊपर से, इसीलिए किसी हैवी चीज़ से इसको तोड़ लें। इस तरह से हम इसे ब्रेक करेंगे। ये देखिए अंदर से कितना पका हुआ निकला है, एकदम राइप है यह। तो हम अभी आइसक्रीम के लिए हाफ यूज़ करने वाले हैं। इसको हम स्कूप आउट कर लेते हैं। हम हाफ यूज़ करेंगे आइसक्रीम के लिए और इसे स्कूप कर लेते हैं। एक बाउल में हम इसे स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। यह इतना पका हुआ है कि यह बहुत आसानी से स्पून से निकल रहा है। ये देखिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। एकदम पका हुआ है बेल से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज इसकी आइसक्रीम बनाऊं। तो इस तरह से हम आसानी से इसको पूरे को अच्छे से स्कूप कर लेंगे। अभी इसके अंदर बीज हैं और बहुत सारा रेशा है, तो हम इसके अंदर डालेंगे एक ग्लास पानी और स्पून की हेल्प से या हाथ की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश कर देंगे पानी के अंदर, ताकि हमें एक अच्छा सा इसका पेस्ट मिल जाए, यानी कि इसका गुदा मिल जाए। इससे पहले हम इसे थोड़ा मैश कर देंगे, पानी में इसे अच्छे से घुल जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको एक घंटे के लिए ढककर रखने वाली हूँ। एक घंटे में से यह थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा और हमें इसका पल्प बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो चुका है और इसका कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए, इसका पल्प हमें मिल जाए और इसके अंदर जो भी बीज और रेशा है वो निकल जाए। क्योंकि अगर इसका रेशा तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर इसके बीज मुंह में आए तो वो थोड़ा कड़वा टेस्ट देते हैं, थोड़ा सा इसका टेस्ट बिटर लगेगा हमें। तो हमें इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और इसका पूरा रेशा और बीज अलग कर लेने हैं। ये देखिए रेशा और बीज एकदम से निकल चुके हैं, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन हमें मिल गया है इसका पेस्ट, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब हम इसको हल्का सा कुक करेंगे ताकि हम इसमें शुगर को डिसॉल्व कर सकें। मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें देसी खांड, बुरा या फिर मिश्री डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, एक कप चीनी लिया है मैंने। मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमें चीनी के मिल जाने तक अच्छे से तब तक कुक करना है। अगर आप शुगर पाउडर का इस्तेमाल करें तो ये जो प्रोसेस है वो आप स्किप कर सकते हैं, आप शुगर पाउडर को ऐसे ही मिला सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पक जाता है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये देखिए शुगर अच्छे से मिल चुकी है। अब इस पैन को हम उतार लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे, एकदम रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तब तक हम क्रीम को विप करेंगे। हमें लेनी है विपिंग क्रीम, हैवी विपिंग क्रीम और अमूल फ्रेश क्रीम। आप कोई भी ब्रांड की जो आपके यहाँ अवेलेबल हो ले सकते हैं। एक कप हैवी क्रीम लिया है मैंने, इसे हम बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप घर पर जो हम विस्कर यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से यूज़ करने से टाइम थोड़ा कम लगता है, जबकि हाथ वाले विस्कर से टाइम थोड़ा 10 से 15 मिनट हमें इस तरह से करने में लग सकते हैं। ये देखिए
एकदम स्मूथ पीक्स आने तक हमें इसे बीट करना है और यह 5 से 7 मिनट में हो जाता है। अब मैंने इसमें 1/4 कप अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल लिया है और इसे भी हम बीट कर लेंगे। यह हमारा आइसक्रीम का बेस रेडी हो गया है। अब इसमें हम पल्प डालेंगे और इसको भी बीटर की हेल्प से बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला, यह एकदम नेचुरल फ्लेवर की आइसक्रीम है। बीटर की हेल्प से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पूरा अंदर तक क्रीम और बेल हमारा मिल जाएगा। ये देखिए, कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, एकदम नेचुरल फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो रही है। आप इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे की जगह, जब आप क्रीम को व्हिप कर रहे हों तो आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े चोको चिप्स। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप थोड़े बादाम, काजू और पिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे नेचुरल तरीके से भी, यानी कि बिना कोई ड्राई फ्रूट, बिना चोको चिप्स डाले भी एंजॉय कर सकते हैं। इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे और ऊपर से हम थोड़े से चोको चिप्स और स्प्रेड कर देते हैं और इसको हम ढक कर रख देंगे। यह बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर रेडी होने वाली है। 7 से 8 घंटे तक हम इसको ढक कर इस तरह से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। आप ध्यान रहे, आप एयरटाइट कंटेनर ही यूज़ करें, दूसरा कंटेनर यूज़ करने से इसके ऊपर आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने इसके ऊपर और हमारी आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। यह आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी है और साथ में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी आसानी से स्कूप हो रही है। अगर आपके स्कूप ना हो तो स्कूपर को हल्का गर्म पानी में डाल लें एक बार। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है आइसक्रीम का और आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।